सिलॉजिज्म, ठीक है। देखो, बहुत ही रीजनिंग का सबसे खतरनाक चैप्टर कह लो या मुश्किल चैप्टर कह लो, वो यही है सबसे ज्यादा, ठीक है। लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं इसमें, ठीक है। बहुत ही है भी, ऐसा नहीं है कि ये मुश्किल नहीं है, ये मुश्किल है, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूँ, मुश्किल है ये चैप्टर जो है, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। वो चीजें हैं, लेवल्स हैं इसके, ठीक है। सिलॉजिज्म जो है एक काफी टफ चैप्टर में से एक है, लेकिन मैं जितनी चीजें आपको बताऊंगा सिर्फ उतनी पे फोकस करना है, एक्स्ट्रा नहीं जाना है आपको, ठीक है। अगर इतने पे फोकस कर लिया तो आपके एग्जाम का बेड़ा पार हो जाएगा, वरना फिर कंफ्यूज ही रहोगे, वरना वो भी गलत करोगे क्वेश्चन जो आपके में आ जाते हैं। देखो, अव्वल तो इसमें से आएगा तो एक या दो, एक आठ ही आएगा आएगा, वरना नहीं भी आएगा, ये है। लेकिन हमें सिलेबस में है तो हमें पढ़ना है, ठीक है। आता है तो आपके लेवल पे सिंपल आएगा, बहुत ही टेढ़ा चैप्टर है पहले ही बता दे रहा हूं मैं, आप इसमें कंफ्यूज बहुत हो गए। जितना बता दे रहा हूं दैट्स इनफ, उससे अलावा कहीं मत पढ़ना, बता दे रहा हूं, वरना नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। फिर कहोगे कि सर ये कैसे हो गया, सर वो कैसे हो गया, ठीक है। क्योंकि जितना एक्सप्लेनेशन मैं क्लास में दे रहा हूं ना, बस वो काफी है। आप इधर उधर से देखोगे, रूल्स बहुत सारे हैं इसके, ठीक है। कोई 50 150 रूल से करता है, कोई कुछ रूल से करता है, लेकिन सब अलग अलग है, लेवल्स का फर्क है। जितना आपके लिए जरूरी है, कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं वो आपको बताऊंगा। क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन कुछ टीचर्स को भी है, कुछ रूल्स में गलत रूल बता देते हैं टीचर्स भी, जिन जो क्या नाम है, उनको खुद को नहीं पता है ये चीज, तो आपको वो चीज मैं बताऊंगा। और उतने तक रखना है क्वेश्चंस आपके, उस हद तक हो जाएंगे, आगे नहीं जाना है आपको, क्योंकि मैंने आपको बता दिया। सिलोजिज्म बहुत ही अलग लेवल का चैप्टर है, जितना है जैसा आता है एमयू में आएगा, भी नहीं भी आ सकता है, मुझे मैं पहले बता रहा हूँ, आएगा, एक आध क्वेश्चन भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो उसी पे स्ट्रिक्ट रहना, ठीक है। मैं सिर्फ लिमिटेड चीजें इसमें बताऊंगा, जितनी आप याद रख सको। मैं बताने को बहुत चीजें बता सकता हूँ, लेकिन वो फिर खिचड़ी बन जाएगी इसमें, और फिर सिलॉग हो जाएगा खराब आपका, ठीक है। उस पे ही फोकस करना, आएगा कंफ्यूजन, वो तो खैर नॉर्मल है इसमें। सिलोजिज्म है क्या, ये वैसे ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है ये, ठीक है। ये एक है क्या, ग्रीक वर्ड से बना है, ठीक है। ग्रीक वर्ड सिलोजिस्मोस, ग्रीक वर्ड सिलोजिस्मोस से बना है, जिसका मतलब होता है मीनिंग, जिसका मीनिंग होता, सॉरी, जिसका मीनिंग होता है कंक्लूजन। का मीनिंग क्या है, कंक्लूजन, कंक्लूजन या इन्फ्रेंस, मतलब कोई कंक्लूजन निकालना, भाई इन्फ्रेंस निकालना, नतीजा निकालना, ठीक है। कोई कंक्लूजन निकालना, भाई स्लॉग में हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट दिए होते हैं, कंक्लूजन दिए हुए होते हैं, बस उसको फॉलो देखते हैं, चेक करते हैं। इन्फ्रेंस मतलब कंक्लूजन या इन्फ्रेंस, कोई नतीजा, किसी भी चीज से कोई नतीजा निकालना, कोई निष्कर्ष निकालना, ठीक है, गिवन चीज से। चलो, सिलोजिज्म इज डिस्कवर्ड बाय अरिस्टोटल इन 320 BC। इसको किसने इन्वेंट किया था, इस टेक्निक को, अरिस्टोटल ने, फादर ऑफ सिलोजिज्म। तो फादर ऑफ सिलोजिज्म कौन हो गया, अरिस्टोटल, ठीक है। फादर ऑफ सिलोजिज्म कौन है, अरिस्टोटल।